वो मैम आपके यहाँ से गाने की आवाज़ तेज़ आ रही है, तो नीचे सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम बहुत कंप्लेंट आ रही है, आप आवाज़ कम कर लीजिए। दो बॉडी के वॉचमैन, अब तू मुझे बताएगा मुझे कितनी आवाज रखनी चाहिए और कितनी नहीं? इधर आ, तुझे बता दूं। तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मेरे घर तक आ गया? मैम साहब इसको दूर रखो, मैम साहब इसको दूर रखो मैम साहब। अच्छा तो तू कुत्तों से डरता है। मयंक जाके जुगनू को लेके आ, आज जुगनू इसकी बोटी बोटी खींच लेगा तभी बता दो मजा आएगा। तुझे बड़ी दिक्कत थी ना हमारे लाउड म्यूजिक से, हमारी तूने पूरी पार्टी खराब कर दी। अब ऐसा कर, नाच नाच। अबे साले सुनाई दे रहा क्या? नाच। जो ये आप लोग कर रहे हो ना ये ठीक नहीं कर रहे, मैं सोसाइटी में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। क्या सोसाइटी में कंप्लेंट करूंगा? ज्यादा चबड़ चबड़ मत करनी तो तेरी जुबान बाहर निकाल दूंगी। मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं नहीं डरता तुम जैसे अमीर जादों से। मैं कंप्लेंट करूंगा, जिसको जो करना ना करो, मैं कंप्लेंट करूंगा। लगता है तो हमारी बात ऐसे नहीं मानेगा। इस सोसाइटी में 50% घर मेरे बाप के नाम पे हैं। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तेरे को हम नौकरी से निकलवा देंगे। चल चल बस कर। अब एक काम कर, तू ना पोछा लगा दे, वैसे भी मेरा घर बहुत गंदा पड़ा है। हमारा काम नहीं है ना। तेरा काम नहीं है फिर भी तू ही करेगा, चल जल्दी कर। अबे ओ गवार, तुझे पोछा लगाना नहीं आता क्या? कितने मरे मरे हाथों से पोछा लगा रहा है। तेरी घर की औरतों का भी यही काम है। बड़े शर्म की बात है कि तुझे अपना खानदानी काम करना नहीं आता। यार लगता है ये काफी नहीं है इसके लिए, इसकी वजह से हम अपनी पार्टी नहीं कर पाए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, एक आइडिया है मेरे पास। वाह मयंक क्या मजेदार आइडिया है। अबे यार सुन, चल बहुत हो गया तेरा, निकल यहाँ से, साफ कम गंदा ज्यादा कर रहा है। हाँ हाँ चल निकल बे। अबे देख क्या रहा है, निकल। ओए यहाँ पे कैसे बैठा हुआ है तू? तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? यहाँ जो लोग आ जा रहे हैं उनको नजर कौन रखेगा? सर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए बैठा था। तो तू क्या चाहता है, मैं तेरा सर दबाऊं? नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? यहाँ की कंप्लेंट आई थी 3501 से कि बहुत शोर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे समझाने आया। और फिर अच्छा ये सब हुआ तेरे साथ, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। साहब आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना। चल कोई नहीं तू अपना काम कर, इन लोगों को मैं देख लूँगा ठीक है, और यहाँ से कोई बिना एंट्री के जाने नहीं चाहिए। ठीक है सुपरवाइजर साहब। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, साला कितना बोरिंग दिन है यार, साला कोई मुर्गा ही नहीं मिल रहा। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आ, अबे जल्दी आ, अबे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी आ जल्दी। अबे साले तू यहाँ घूम रहा है और सोसाइटी की चौकीदारी कौन कर रहा होगा? बे मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, आप दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से बात करिए। हाँ वो तो ठीक है,
लेकिन साले मेरे घर में कोई चोरी हो गई ना, या सोसाइटी में एक मिट्टी का कण भी चोरी हो गया, उसका सारा इल्जाम मैं तेरे सर पे ठोक दूंगा, क्योंकि साले मैं सिर्फ तेरे को जानता हूँ। साहब मैंने आपकी सोसाइटी का और आपके घर का ठेका नहीं ले रखा, जब मैंने आपको बोल दिया मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, वहाँ जिसकी शिफ्ट है उस सोसाइटी गार्ड से आप बात करिए ना, आप तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। साहब गरीब आदमी हूँ मैं, मेरा परिवार है उसका पेट पालने दो ना मेरे को, आपको मिलता है क्या मुझे ऐसे कोई तकलीफ दे के? मतलब आपका कुछ नहीं है, आपने पी, आपको कोई मुर्गा नहीं मिला, आपने मेरे को फंसा लिया, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? साले अब तू बहुत बोल रहा है, मेरे को लगता है तू उस दिन की मार भूल गया है, और तेरे हाथ में ये किस चीज की बुक है? अबे किताब दे, अबे जरा देखू तो। अबे जाहिल तेरे को ये तो नहीं लगता कि तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा? साले सरकारी कॉलेज में पढ़ के तू क्या उगाड़ लेगा? अबे साले पढ़ाई करनी है तो हमारे जैसे अमीर कॉलेजों में पढ़, यूनिवर्सिटी में पढ़ साले। वैसे मैं तो भूल गया था, साले तेरे पास तो पैसे ही नहीं है। साले। अबे साले फटीचर, ये ले अपनी किताब और निकल। टाटा। अबे साले तेरा ध्यान किधर है? मैं यहां से गुजर रही हूं और तेरा मुझ पर ध्यान ही नहीं है, ना ही तूने मुझे सलाम किया। ऐसे तो कोई भी बाहर का आके किसी के साथ कुछ भी करके चला जाएगा। तेरा कोई फर्ज बनता है नहीं बनता सोसाइटी के लिए? मैम फर्ज बनता है, वो तो मैं पढ़ रहा था इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन कोई भी आता जाता है मैं सब पे ध्यान रखता हूँ, और रजिस्टर में एंट्री भी कराता हूँ, आप रजिस्टर देख लीजिए। तुझे यहाँ सैलरी किस बात की मिलती है, पढ़ाई करने की या फिर यहाँ की रखवाली करने की? नहीं मैम, रखवाली करने की। फिर तू यहाँ काम करने की जगह पढ़ क्यों रहा है? बताऊँ तेरे सुपरवाइजर को कि तू ड्यूटी के टाइम पे यहाँ पढ़ाई करता है? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा मत करना, मैं गरीब आदमी हूँ, वो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेंगे मैम साहब, आगे से कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं पूरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ मैम साहब, अब ऐसे कभी कोई गलती नहीं होगी मैम साहब, मुझे माफ़ कर दो। गुड, क्योंकि तेरा यही काम है, और पढ़ लिख कर तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग हमारे तलवे के नीचे ही अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारे साथ बैठने की। बस मैम साहब बस, मैंने अपनी गलती मान तो ली, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएंगी। अरे मैम साहब थोड़ा भगवान ने पैसा क्या दे दिया, आप तो गरीबों के सर के ऊपर चढ़ रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है, आपको पता नहीं क्या मेरे को हमेशा परेशान करती रहती है आप। मैम साहब गलती हो गई हो, माफ कर देना। तू मुझसे जवान लड़ा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? अगर मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पे चढ़ेगा। आइंदा अगर मुझसे बदतमीजी से बात करने की कोशिश की ना तो जॉब से निकलवा दूंगी। अब वो काम कर जो तुझे सूट करता है। सुमित, अरे अंकित भाई यार, तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये तूने गार्ड की ड्रेस क्यों पहन रखी है? तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है क्या? हाँ यार, मैं यहाँ पे गार्ड की जॉब करता हूँ, बट मैं यहाँ पे बहुत टाइम से जॉब कर रहा हूँ, मैंने तुझे देखा नहीं। यार 3 हफ्तों से मैं बाहर जा रखा था इसीलिए मैं तुझे देखा नहीं। ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहा है? तू तो पढ़ने लिखने में इतना अच्छा था, हर चीज़ में मुझसे आगे था, फिर ये सब क्यों? अब क्या ही बताऊँ, 10th के एग्ज़ाम दे रहा था, फिर उस बीच पापा की तबीयत ख़राब हो गई, मेडिकल इशू हो गए, और आखिर में पापा मुझे छोड़ के चले गए। फिर घर में इतना खर्चा वगैरह था, घर चलाना था, तो फिर मैंने छोटे मोटे काम जैसे ये वाली जॉब वगैरह ये सब करना चालू कर दिया। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस सोसाइटी में 12th पास चाहिए होता है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए भी। अरे यार पहले पूरी बात तो सुन ले। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अपनी बात बता। यार 10th के बाद फिर उसके बाद 12th ओपन से करी, और फिर बाकी जगह यहाँ पे सैलरी अच्छी थी, तो मैंने कहा सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड भी कर ले तो साथ के साथ पढ़ भी लूँगा। बाकी तू बता तेरा क्या चल रहा है? मैं तो ठीक हूँ यार, मेरी तो शादी हो गई, आ जा चल तेरे को तेरी भाभी से मिलवाऊँ। क्या तेरे शादी कर ली? और यार अभी तो जा नहीं सकता, काम है, और अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, कोई कंप्लेंट कर देगा। अरे यार ये सब छोड़, कोई कुछ नहीं करेगा, तू चल मेरे साथ। तू ऐसा नहीं मानेगा ना, मेरे को तेरी बचपन की आदत पता है,
चल भाई उठा लेते तेरे ले रेस। चल तेरे बचपन की आदत नहीं जाएगी, लेके ही जाएगा तू। चल और बता क्या चल रहा है। अनामिका अनामिका हाय हर अनामिका देखो कौन आया है। नमस्ते भाभी। नमस्ते अनामिका, ये मेरे बचपन का दोस्त सुमित है। तू यहाँ क्यों ले आई, बाद में बैठो ना जाकर। तुम चलो, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। देख भाई सुन, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं गई यार। मैं ना अपनी दोस्ती का फर्ज निभाना चाहता हूँ। मेरे लायक कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताइयो, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ यार। यार वो तो ठीक है, लेकिन तेरे पे भी तो बहुत जिम्मेदारी है। बल्कि अब तो खर्चा ज़्यादा है, भाभी है और तू है, घर के इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, 100 खर्चे होते हैं, मैं तेरे से कैसे मदद ले सकता हूँ। देख सुमित, तेरी भाभी भी जॉब करती है और मैं भी जॉब करता हूँ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और अगर मैं तेरी मदद कर पाऊँ तो मुझे भी खुशी होगी, उल्टा तेरी भाभी को भी खुशी होगी कि मैंने अपने दोस्त की मदद करी। तो यार प्लीज़ मेरी बात मान जा और मुझे तेरी मदद करने दे। यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तू कुछ मत सोच, तू बस ये सोच कि तेरे आने वाला कल बहुत ब्राइट है, बस तू मना मत कर। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? अभी जितना तू मेरे पे लगा रहा है वो सारा मैं सोच समय वापस करूँगा तेरे को। चल ठीक है भाई, तू मुझे सारे पैसे दे दियो। वादा लेगा? हाँ भाई प्रॉमिस है ना। चल सूरजपुर में एक जगह है, वहाँ पे अल्फा वीटा गामा भी है। चलो घूमने के लिए। ओए वो देख सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन ये आज अपनी ड्रेस में क्यों नहीं है। चल अबे ओ चौकीदार, आज तू अपनी ड्रेस में क्यों नहीं है। साले तेरे को समझाया था ना कि ढंग से काम करियो, वरना तेरे को नौकरी से निकलवा देंगे। ऐसा है, ज्यादा ना चबड़ चबड़ करने की जरूरत नहीं है। एक बात अपने कानों में ना अच्छे से डाल लो, मैं पहले यहाँ काम करता था, अब नहीं करता। और मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं तुम लोगों की बकवास सुनूं। जॉब नहीं करता तो क्या हुआ, तू गरीब है तो तुझे हमारी सुननी पड़ेगी। गरीब ऐसा है ना मैडम, आपको ना बहुत हो गया। अब इससे पहले ना मैं कुछ कह दूं तो आप रोते हुए जाओ, इससे बढ़िया आप यहाँ से चली जाइए। बढ़िया ही अमीर और गरीब करने वाली। भाई साहब आपको समझ नहीं आता, मैं पहले यहाँ काम करता था, अब नहीं करता। ऐसा है, हाथ मेरे भी है, चुपचाप प्यार से चले जाओ। हाँ आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहा, ठीक है। चल मैं यहाँ से, छोड़ इसको प्लीज। पिंटू जाके देखना कौन है। ये लाइट किसने बंद की है? मैंने। साले सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे घर में आने की? हिम्मत तो इतनी है कि इस सोसाइटी से तुम्हें बाहर फेंक सकता हूँ मैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था लेकिन अब नहीं हूँ। ना तुम तब सुधरे थे ना अब सुधरे हो, क्योंकि कुत्ते की तुम ना कभी सीधी नहीं होती, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक बात जान लो, तुम्हारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट का मालिक मैं हूँ। अबे साले हम कैसे मान लें कि सामने वाला फ्लैट तेरा है? मुझे पता था, तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मेरे पास इतना फोकट का टाइम नहीं है कि तुम्हें रजिस्ट्री के पेपर दिखाऊं, इसलिए तुम दोनों के लिए खास तोहफा लेकर आया हूं। दिखाऊं? अंकित तुम तो वही हो ना जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हो। हाँ मैं वही हूँ जो तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ, और ये मेरे बचपन का दोस्त, और बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे नौकरी करता था गार्ड की। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड था, जब ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था तब हर चीज़ में मेरे से आगे था। लेकिन इसके पिताजी का देहांत हो गया और उसके कंधों पे उसके परिवार का बोझ आ गया, और फिर मैंने अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभाया। और देखो इस टैलेंटेड इंसान को, 2 साल के अंदर इसने तुम्हारे सामने वाला फ्लैट खरीद लिया। अंकित भाई लेकिन मेरे अंदर इनकी तरह ईगो और एटीट्यूड नहीं है अमीरी को लेकर। मैं पहले भी मिट्टी से जुड़ा था और अभी भी मिट्टी से ही जुड़ा हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है कि जो गरीब है उसका मजाक उड़ा के तुम्हारी तरक्की हो जाएगी? नहीं, वो भी इंसान है, उसका भी दिल है। एक गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है। लेकिन तुम लोगों का क्या है, तुम्हारे पास तो पैसा शुरुआत से है,
माँ बाप के पैसों से ऐश कर रहे हो। अरे उन लोगों को देखो जिनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं होती। तुम्हारे जैसे इंसान होने नहीं चाहिए। इंसान वो होना चाहिए जो अपनी अमीरी का फ़ायदा भी किसी गरीब की मदद के लिए करें। लेकिन क्या करना है तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि तुम्हारी समझ में तो आएगा ही नहीं। तुम्हें तो डांस करना है, क्लबों में पैसा उड़ाना है, दारू पीनी है और गरीब का मजाक उड़ाना है ना? अरे छोड़ यार सुमित, इन लोगों को समझा के कोई फ़ायदा नहीं है। चल हम चलते हैं। सही कह रहे हो, घटिया लोग। यार मैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पता नहीं हम किस नशे में थे। आज के बाद हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। ठीक कह रही हो तुम। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ अमीर लोग छोटे तबके के लोगों को कितना ज़्यादा परेशान करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करते हैं। लोग मॉलों में पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, क्लबों में पैसा उड़ाते हैं, महंगी महंगी शराबें पीते हैं, लेकिन वही पैसा अगर किसी रिक्शा वाले को देना हो, किसी फ्रूट वाले को देना हो या फिर किसी को भी देना हो तो उसके लिए उनसे लड़ते हैं, उनसे झगड़ते हैं। ये सरासर बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा होता है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को अच्छा मैसेज पहुँचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो भेजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी भेजिए। धन्यवाद।